जानिए कहानी बिहार के उस डॉक्टर की जिन्हें बनना था संगीतकार मगर चुना ये पेशा। माँ से सीखा संगीत, पिता की डांट से बने डॉक्टर। ऑस्ट्रेलिया से लौटे पटना, तब चरम पर था क्राइम। मुश्किलों के बीच खोला बिहार का पहला हार्ट हॉस्पिटल। अस्पताल खोलने को बेच दिया था अपना ये सब। जानिए डॉक्टर अजीत प्रधान का सफर सौम्या राठी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम कहानी जिंदगी की में, और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बेहद दिलचस्प शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें संगीत का बहुत शौक था, जो संगीतकार बनना चाहते थे, लेकिन जब पिताजी ने यह कह दिया कि संगीतकार बन जाओगे तो स्कूटर और बाइक तक तो ठीक है, लेकिन गाड़ी खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तब रोजी रोटी कमाने के लिए ये कार्डियक सर्जन बन गए। और उसके बाद बिहार में इस तरीके से इतिहास रचा कि पहला कार्डियक हॉस्पिटल भी इन्होंने ही खोला, और ऐसी ऐसी सर्जरीज करके दिखा दी जो पूरे देश में बाकियों के लिए करना मुश्किल था। आज के इस एपिसोड में आपको कहानी सुनाएंगे डॉक्टर अजीत प्रधान की। सबसे पहले सर, कहानी जिंदगी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम आपको यहाँ बुलाने के लिए मेरा, और आपने इज्जत इतना इज्जत अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक शेर याद आता है, वो मुझे जानता नहीं शायद, वो मुझे जानता नहीं शायद, वरना इतने अदब से नहीं मिलता। आपने इतना इज्जत अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आप सवाल पूछ रही हैं, मुझे एक और शेर है, बुरा नहीं माने आप। बिल्कुल नहीं। तुम मुखातिब भी हो, तुम करीब भी हो, अब बताओ कि तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं, क्या करूं? ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी शख्सियत जो है काफी रंगीन है। आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो न केवल अपने सर्जरी की फील्ड में अपने लिए बहुत नाम कमाया है, बल्कि कल्चर में भी, म्यूजिक में भी एक अलग पहचान बनाए हुई है। तो चलिए क्यों ना बात करें उस पहलू से जो आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा है, संगीत से जुड़ी बातें करते हैं। आपका संगीतकार बनने का सपना था, आपने ये सपना कब देखा और ये सपना छोड़ना क्यों पड़ा? आमतौर पर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो खेलने वगैरह चले जाते हैं जी। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं भी और लोग तरह से क्रिकेट खेलूं। नाना थे घर पर, वो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे हो जाओगे आवारा। स्कूल से लौट कर आते थे जब आमतौर पर बच्चे लोग खेलते रहते थे, हम लोग को बैठ करके रामायण पाठ करना पड़ता था। एक चौपाई अगर जयजवंती में गाया तो दूसरी चौपाई नंद राग नंद में गा रहे हैं। ऐसे तो बचपन गुजरी। नाना अदब और शकाफत, शेर व शायरी और मौसिकी से उनको जज्बाती लगाव थी, और यही नतीजा है कि जब हम छोटे थे तो बचपन गुजरा भाई उस्ताद फयाज खान, गंगूबाई, अब्दुल करीम खान साहब का गाना सुनते हुए, ना तो मोहम्मद रफ़ी, ऐसा नहीं कि मोहम्मद रफ़ी बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत चगा देते, लेकिन बचपन ऐसे ही में गुजरा। मैं आई वॉज वेरी यंग, आई बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी शास्त्रीय संगीत की, बट आई स्लोली अलाउड द ग्रेस ऑफ द आर्ट टू टच मी। फिर नाना हमको कहानी सुनाना शुरू किए रामू जी मिश्रा के, जो मेरी माँ के गुरु भी रहे हैं, बेगम अख्तर की वो दिलचस्प कहानियाँ कि किसे नवाब रामपुर, उनकी नौलखा जो कि उनकी हीरा थी, उसकी कहानी, इस तरह से उसी माहौल में तो मैं बड़ा हुआ। कोई विरासत में मिली संगीत, माँ गया घराना रामू जी मिश्रा से सीखी थी। माँ ने पहला चैती भी माही ने सिखाया मुझे, यही ठैया विदिया है राई गले रामा कहाँ वहाँ मैं ढूँढूँ। संगीत से बहुत लगाव था, घर हर फोर्टनाइट 15 दिन पर शायर और संगीतकारों लोग की ही जमघट बनी रहती थी, चाहूँ ना चाहूँ बैठना ज़रूरी था वहाँ पर। वाजिब है जब इस माहौल में पैदा हुआ ये अच्छा लगता था। जी। फिर जैसे आपने कहा कि यू नो मैं चाहता था, बहुत सीरियसली म्यूज़िक को परसू करना चाहता था, तो जैसे आपने सही बताया कि मेरे पिताजी ने कहा कि सही बात है, ज़रूर करो। मेरा नेफ्यू भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, घर में म्यूजिक उसी का बहुत प्रचलन है, लेकिन पापा कहे कि सो उनके कि हाँ ठीक है सही है, यहाँ पर
उस ज़माने में जब हम लोग थे उस वक्त म्यूजिशियन बन करके, देखिए म्यूज़िक में क्या है ना कि बहुत पिरामिडल है. इफ़ यू वॉन्ट टू, इफ़ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली गुड टू मेक इट गुड इन लाइफ. पंडित भीमसेन जोशी ऐसे बहुत कम निकले. वैसे संगीत म्यूजिशियन जो हुए अर्नड लॉट, ऑल्दो वो बहुत पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ज़्यादा लोग नीचे में रह जाते हैं. ऊपर पहुँच करके और वो कि अपने आप एक कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल जिंदगी जी सकी है, उसके लिए बहुत ही स्ट्रगल है म्यूज़िक में, जो मैंने रियलाइज़ किया जब मेरे फादर ने मुझे समझाया. तो मैं मेडिसिन पढ़ने लगा. मेडिसिन पढ़ रहा था उस वक्त कार्डियक सर्जरी बहुत इन्फेंसी में थी. मैंने बहुत शुरू पर हार्डली इंडिया में होता भी नहीं था, बहुत कम. ये बात है जब मैं 1989-90 की बात कर रहा हूँ. शायद ही कुछ एक दो सेंटर्स थे इंडिया में, बहुत कम जो होती थी कार्डियक सर्जरी. पढ़ाई वढ़ाई तो खैर कॉलेज के लेवल पर होती नहीं थी. मेरे एक सीनियर, उन्होंने छुट्टियों में मेरे, मैं कॉलेज में ही कैंपस में ठहर गया था, घर नहीं गया था. मेरे सीनियर ने कहा कि अच्छा करो, ये एक छोटी सी किताब है लाइब्रेरी में, 15 पन्ने की 20 पन्ने की, उस बारे में, उसमें कार्डिक सर्जरी के बारे में लिखा है, पढ़ करके मुझे बचा दो. तो मैंने छुट्टियों के दौरान उसको पढ़ा, बहुत दिलचस्प थी. कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया. समझ में आया उससे दिलचस्पी बढ़ी, जो समझ में नहीं आया उससे जिज्ञासा बढ़ी. मैं सोचा कि अब करूँगा तो कार्डिक सर्जरी ही करूँगा, अगर डॉक्टर बनना है तो. एंड मैं मेडिकल प्रोफेशन में उस वक्त अभी फाइनल ईयर में भी नहीं पहुँचा था. उस वक्त प्लान कर लिया था कि कार्डिक सर्जरी करना है. और वो जो कार्डिक सर्जरी का जो सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ है, बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको बताऊँगा. अब मैं वही जानना चाह रही हूँ कि पटना में आपने जीवक हार्ट हॉस्पिटल की शुरुआत की थी, जो पटना का पहला कार्डियक हॉस्पिटल था, सिर्फ पटना का ही नहीं पूरे बिहार का. तो जीवक का सफ़र कैसा था? मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल था. सच ईयर की बात है, ये जीवक हार्ट हॉस्पिटल हमने 1998 में स्टार्ट किया. उस दौरान पूरे बिहार वॉज अनडिवाइडेड बिहार में कोई कार्डिक सेंटर नहीं था. कार्डिक सेंटर तो छोड़िए, एक प्रॉपर आईसीयू तक नहीं थी जहाँ पर वेंटिलेटर हो या कुछ हो. मैं चला गया विदेश, मैं काफ़ी जगह मेरी ट्रेनिंग हुई, फिलीपींस में था, फिर इंग्लैंड गया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया. आखिरी ट्रेनिंग मेरी ऑस्ट्रेलिया में थी. करीबन एक बनवास 14 साल विदेश में रहा. फिर मेरे फादर ने मुझे, पिताजी ने कहा कि आ जाओ यहाँ कर, आकर के स्टार्ट करो पटना में कार्डियक सर्जरी कार्डियोलॉजी यूनिट, जो कि था ही नहीं उस वक्त. कार्डियोलॉजी के नाम पर बस ईसीजी और इको तक होता था यहाँ, कैथ लैब नहीं था, कुछ नहीं था. मैं, जिस तरह का मेरा लाइफस्टाइल था, मैं बहुत आना नहीं चाहता था इंडिया वापस. लेकिन फिर पिताजी ने कहा कि पायनियर रहोगे, ये रहोगे. मैं सोच कर कहा कि चलो चलाया जाए. आया तो यहाँ ज़रूर, बिहार में देखा यहाँ का माहौल, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था. फिर मेरे पिताजी ने किसी का एक नाम दिया, परिचय दिया, एक कार्ड दिया कि ये हमसे मिले थे, उनसे जाकर मिल लो, ये शायद तुमको मदद कर दें कार्डियक सर्जरी का सेंटर स्टार्ट करने में. मैं गया उनके पास मिलने. मैं नाम उनका बताना नहीं चाहूँगा, बड़े, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी. उनका अपना अस्पताल वगैरह भी था उस दौरान. उनने कहा कि सो मिलने गया तो मेरे पिताजी एक ही चीज़ बोले थे कि देखो, जो बड़े, इतने बड़े बड़े लोग से मिलने जा रहे हो ना, इसके पहले कि वो तुमको कहें कि उठ कर चले जाओ, तुम उनके इशारे से समझ करके उठ कर चले जाया करो. ये बात मेरे जहन में थी, मेरे दिमाग में थी. मैं उनसे पूछने गया, वो सोचे कि शायद मैं नौकरी मांगने आया हूँ. तो उन्होंने कहा कि, तो मैं कहा कि नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं मांगने आया, मैं हार्ट सर्जरी का सेंटर स्टार्ट करना चाहता हूँ बिहार में, जहाँ कुछ नहीं है अभी, एक वेंटिलेटर तक नहीं है. तो कहा कि सो कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो क्योंकि पैसा तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बैंक से लोन कुछ लेने का कोशिश किया है, कुछ इधर से कुछ इधर से. तो कहे कि बट देन यू कांट स्टार्ट अ हार्ट सेंटर लाइक अ बेगर. और फिर वो उठने लगे, मुझे पिताजी की बात याद आ गई
इसके पहले कहे तुमको जाने के लिए तो मुड़ जाओ, मैं उठ गया, उठ करके जाने लगा, पलट कर उनसे पूछा कि आई नो आई कांट स्टार्ट अ हार्ट सेंटर लाइक अ बेगर, बट अगर बेगर्स को ड्रीम हो तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट, करके उन्होंने कहा ठीक है ऑल द बेस्ट, अपने ड्रीम्स के साथ रहो, लेकिन ड्रीम्स और रियलिटी में तुम्हें फ़र्क होना चाहिए। मैं कहा कि ज़रूर ज़रूर। फिर मैं जाने जाते कहा कि सर आप उर्दू से इत्तेफाक रखते? तो कहा कि जी बताइए। तो कहा कि उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताया कि एक शेर आपके नज़र, एक शेर आपको सुनाता हूँ, मंजिल तो मिली जाएगी भटकते ही सही। मेरी ड्रीम तो मैं पूरा कर ही लूँगा, मंजिल तो मिली जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर मंजिल। मैं वहाँ से चलाया उसके बाद हार्ट सर्जरी सेंटर, मालिक की दया थी, दोस्तों की दुआ, माँ बाप का आशीर्वाद, हार्ट सर्जरी मैंने स्टार्ट कर दिया। उस सिलसिले में, स्टार्ट करने के सिलसिले में अपनी गाड़ी तक बेच दिया था, कुछ नहीं था मेरे पास। माँ बाप खाना खिलाते थे, उनके घर पर रहता था, यहाँ रहता था, गाड़ी उड़ी की क्या ज़रूरत है जब अस्पताल में रहता हूँ। परसों बाद मुझे उसी बड़े सज्जन से एक पार्टी में भेंट हो गई। जब भेंट हो गई और मुझे बड़े लोग से मिलना बड़ा अच्छा लगता, तो मैं चला गया उनसे मिलने गया। तो उनको इंट्रोड्यूस कराया कुछ लोगों ने कि ये डॉक्टर अजीत प्रधान है, ये पायनियर कार्डियक सर्जन है, इन्होंने बिहार में कार्डियक सर्जरी स्टार्ट की। हमारे देखिए बिहार में कार्डियक सर्जरी होती है, तो वाजिब है वो मुझे तो भूल गए होंगे, मैं बहुत से लोग को मैं देखते होंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सो अच्छा बिहार में कार्डियक सर्जरी होती है, तुम कार्डियक सर्जन? कि जी सर आप भूल गए, मैं आपसे मिला था फलना फलना दिन, वो भूल गए थे। तो उन्हें याद आया कि ओ मंजिल, मंजिल। हम कह जी जी सर मंजिल, वही वही मंजिल वाला बंदा हूँ मैं। तो कहा कि और डिड यू फाइंड योर मंजिल? हम कह मंजिल तो मिल गई, पर इतना मलाल था, मंजिल तो मिल गई कि इतना मलाल था कि जिस रास्ते से गुजरा वो सोचा हुआ ना था। मुझे बताया कि मैंने अपनी गाड़ी तक भेज दी, लेकिन मंजिल पा लिया मैंने अपना। तो उन्होंने फिर से मुझे अपनी नौकरी कहा कि तुम आओ मैं हमको ज्वाइन करो, हमारे संस्थान को ज्वाइन करो। क्या ऐसे बिहार में हो जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनैपिंग उस ज़माने में हुआ करती थी। तो मैं पूछा कि सर मैं तो जानता हूँ आप उर्दू से इत्तेफाक रखते हैं, और आपके शेर से आपसे गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ने कहा क्या? कि वही जंगल वही बिजली वही सयाद का खौफ। मैं मानता हूँ बिहार में वही जंगल है वही बिजली है और वही सयाद का खौफ है, बट दुनिया बदल गई, तासीर नशेमा अपना घोंसला हो गया ना, काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एंड वो कार्डिक सर्जरी स्टार्ट किया, बहुत मुश्किलात करना पड़ा। नॉर्मली पैसा वैसा नहीं था, लोग जैसे गैस पाइपलाइन वगैरह ले रहा होता है ना, किसी को देते हैं कि आप बनाइए इसको कीजिए, जैसे ड्रैगर को दिया या BUC को दिया, ये सारा यही रहता था। मैं हॉस्पिटल में ये सारा मेरा सेटअप किया हुआ है, मैं पढ़ पढ़ करके अपना गैस पाइपलाइन, ये डॉक्टरी में नहीं पढ़ाते, ये इंजीनियरिंग का भी काम इस सब मैंने किया यहाँ पर अपने बंदों के साथ जी, क्योंकि पैसा नहीं था तो क्या करते और किसका मदद मांगते, अपने से पढ़ पढ़ करके हॉस्पिटल स्टार्ट किया। और ये देखिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया किसी को, क्योंकि अब खुद क्या हो किसको दूंगा। और आज 23 साल हो गया हॉस्पिटल के, ना एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया, यानी BH भी मिल गया, उसको देख करके उन्होंने अप्रूव कर दिया बहुत अच्छा है, और एक बार ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ उसमें, दिल से जुड़ा था उसको। डॉक्टर साहब अब मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगी, आप जब बता रहे हैं कि शुरुआती दिनों में संघर्ष बहुत आया आपके हिस्से में, गाड़ी तक बेचनी पड़ गई, इस दौरान जब शादी कर कर आप अपनी बीवी को घर लेकर आए, तो उन्हें किस तरीके की आपने ज़िंदगी उन दिनों दी थी और आज क्या स्थिति है? बीवी तो सोची थी कि कार्डिक सर्जरी से सर्जन से शादी हो रही है, ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। उसको क्या मालूम था कि एक जो गाड़ी थी हम लोग साथ दिल्ली में पहले कुछ दिन था, हॉस्पिटल था, उसको भी बेचना पड़ेगा एक, लेकिन उसका साथ बहुत रहा है। वो कहते हैं ना मंजिल मुझे मिले या न मिले इसका गम नहीं, तुम साथ साथ हो मेरे ये भी तो गम नहीं। बात वही थी, पाँव ही पाँव मिला करके उसने चले मेरे साथ। घर होते हुए मैं यहाँ छोटे हॉस्पिटल में एक छोटे से कमरे में हम लोग रहते थे,
क्योंकि हाथ देखना है वो यही पर खाना बनाती थी पहले अर्ली ईयर्स में. शी एक्सेप्टेड द फैक्ट मेरा पैशन ऑफ कार्डियक सर्जरी. पता नहीं मैं मेरे जिंदगी में हर मुश्किल चीज़ को अपनाने की कोशिश की है. प्रोफेशन चूज़ किया कार्डियक सर्जरी. म्यूज़िक में जब चूज़ किया मैं जब म्यूज़िक सीखता था शास्त्रीय संगीत अभी तो वो कर सकता उस जमाने में सबसे डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने पिकअप किया सरोद. अब मैं सरोद पंडित विजय नारायण जी मुझे सिखाते थे छूट गया. जब मैं स्पोर्ट्स में गया था आई यूज़ टू प्ले पोलो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम. तो कुछ है कि हम उसी ज़िंदगी पर मरते हैं जो कभी चैन से बसर ना हुई. तो उसी तरह की ज़िंदगी मुझे पसंद आई और वो मेरी पत्नी को भी मेरे की जो बंजारा मिजाजी जो है ना जिस बंजारा मिजाजी जो है हाँ ही शायद उसको मेरी पसंद थी और वही कारण है कि अभी तक टिकी हुई है मेरे बंजारा मिजाजी. क्योंकि बंजारा मिजाजी में बता दूँ आपको उसमें भी एक सलीका चाहिए. आप ऐसे ही बंजारा मिजाजी नहीं कर सकते. तो ये बंजारा मिजाजी मेरा पैशन टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर द सोसाइटी वॉज वॉट इम्प्रेस्ड हर एंड दैट्स वॉय शी वॉज नॉट बॉदर्ड. मैंने घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि हम लोग पहले 5 साल ऑफ द शादी हम लोग कहीं घूम कर गए कभी नहीं गया. 10 साल हो गया कुछ हॉस्पिटल चल बैठा कुछ पैसा आ गया तो पहला हम लोग अपना वैकेशन मनाने गए थे. जी ये पहली वैकेशन कहाँ थी? पहली वैकेशन बगल ही में थी वो कलकत्ता गए थे. ज़्यादा पैसा था नहीं जी. लेकिन बड़ा सुकून बड़ा अच्छा लगा था जी. वो चल रहा. डॉक्टर साहब हमने ये भी सुना है आप ही की जबानी कि आपकी लव स्टोरी में घोड़ों का भी एक अहम किरदार था. वो किस्सा सुनाए. वो किस्सा नहीं सुना सकता. अब उसमें उनका भी जिक्र आएगा फिर यहाँ फसाना बंद करना पड़ेगा. कहते हैं ना कि अब आगे इसमें तुम्हारा भी जिक्र आएगा कहो तो छोड़ दूँ इस फसाने को. घोड़े से जुटी हुई जो नाम वहाँ घोड़ा मुझे बहुत पसंद है. मैं जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया ट्रेनिंग के लिए आई वॉज ट्राइंग टू रीबिल्ड बाई सेल्फ एंड आई टुक अप टू पोलो. तो मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे घुड़सवारी पर एक किया था. वो शी ट्रैवल ऑल द वे शी वॉज फ्रॉम फिलीपींस. वही हमारी दोस्ती हुई थी. शी ट्रैवल ऑल द वे टू फिलीपींस क्योंकि उसको घोड़ों वालों से भी उनको वो जान पहचान थी और ये जो पोलो खेलते उनसे जान पहचान कराई. तो मैं ऑस्ट्रेलिया में अक्सर दो दो घोड़ा रखे हुए था और घोड़ा को एडजस्ट करता था और पोलो और यही सब चीज़ मुझे बहुत सुकून देता था. इट मेड मी एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर नॉट ओनली एज अ स्पोर्ट इट इज़ वेरी गुड फॉर एक्चुअली मोर एक्ट से अपने जो भी चीज़ था अंदर बट समथिंग वॉज लैकिंग समथिंग वॉज लर्किंग इन साइड. हमारे खुद की शख्सियत के बनाने में पर्सनैलिटी बनाने में घोड़ों का बहुत बड़ा हाथ रहा है. जी घोड़ों का बहुत बड़ा हाथ रहा है. डॉक्टर साहब दुनिया घूमकर उसके बाद बिहार में आकर सेटल होना ये कितना चैलेंजिंग था? जब मैं बिहार में लौटा ना चैलेंजिंग तो बहुत था लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दुख जो लगा था वो था एक अजीब सी सन्नाहट. यहाँ एक अजीब सी सन्नाहट. आपका तो शायद उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ होगा. मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ. अदब शकाफत रक्स मौसिकी शेर व शायरी का ये गहवारा था हमारा बिहार. हर दशहरा पूजा में हर 10 दिन में यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था और देश विदेश के बड़े से बड़े फनकार यहाँ आते थे. जिस फनकार को भी यहाँ आने की दावत नहीं दी जाती थी वो सोचते थे कि शायद मेरे रियाज में कोई कमी है कि मुझे पटना नहीं बुलाया गया. मैं वो पटना छोड़ कर गया था. जब आया तो एक वो भी पटना था जबकि यहाँ पर बड़े से बड़े कलाकार को बुलाना तो छोड़िए जो अगर कहीं गलती से चले आए तो उनको उठा कर से बाहर कर दिया गया. चैलेंजिंग तो बहुत था. फ्रॉम द मेडिकल फील्ड ऑफ व्यू ये चैलेंजिंग था कि मैंने आपको बताया कि गैस पाइपलाइन भी मैंने ही सेटअप किया क्योंकि यहाँ कोई सर्विस देने वाला नहीं था. लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ज़रूर था. मैंने ही फेस किया क्योंकि मैं अकेला कार्डियक सर्जन था. वो लोग सोचे कि भाई इसको क्यों तंग करें अगर कुछ हम लोग को ज़रूरत हो गई तो कहाँ से कोई मिलेगा हमको मदद करने वाला. फिर रही बात
कार्डियक सर्जरी हर छोटे छोटे चीज के लिए मुझे कोई कलकत्ता से कोई दिल्ली से सामान को मंगवाना पड़ता। फिर मैंने जब यहाँ पे एक सन्नाटा सा देखा संगीत का, मैं आपको बताऊँ ना, एक बचपन में मैं पापा माँ के साथ, पापा बहुत ऑनेस्ट ऑफिस थे, गाड़ी तक नहीं थी घर में। क्या करते थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी यहाँ पर चीफ इंजीनियर थे, चेयरमैन थे बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड के, और उसके बाद यहाँ से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट दे करके विदेश चले गए, एशियन डेवलपमेंट ज्वाइन किया, वेरी सीनियर डिप्लोमेटिक पोजिशन पर यूनाइटेड नेशंस में। एनीवे, तो उसके बाद मैं बचपन में माँ पापा के साथ रिक्शा पर गया था। एक रिक्शा वाले से पापा ने कहा कि चलो ना ऐसा करो, फलाना जगह ले चलो, वहाँ पंडित जसराज गा रहे हैं, बछुआ टोली ले चलो, जसराज गा रहे हैं। पंडित वाला बोले कहा हजूर बछुआ टोली जाता नहीं, जीएम रोड लेते नहीं है, ले चले तो नहीं अपने के, वहाँ मालवी का कानन गाना गा होता नहीं। ये था अपना बिहार, जबकि ये था बिहार जिसे आप ईरान के बारे में सोचते सुना होगा आपने कि एक टैक्सी ड्राइवर एट द ड्रॉप ऑफ द हैट आपको रूबी सुना देता है। ये अपना बिहार था, जो कि रिक्शा वाला अपना रिक्शा को रोक करके और संगीत, शास्त्रीय संगीत सुनता था। ये था अपना वो बिहार छोड़ करके। तो मैंने यहाँ जब लौटा, ये सन्नाटा देखा, तो मुझे गौतम बुद्ध का वो कॉल याद आया, अगर आपको तारीकी से लड़नी है तो एक लौ जला दो, एक लौ जला दो। शहर में अगर तारीकी है, एक लौ जला दीजिए, एक एक शमा से ही 100 शमा जलती है। तो मैंने नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की जी। 2009 में नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की टू प्रमोट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट। 10,000 रुपया थे फॉर्म, बस कुछ और 5,000 रुपया पापा मैम दे दिए। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त कुमार गंधर्व की बेटी कलापनी कोमकली पहला बार आई यहाँ, और मुझे अभी भी ना आई कहे कि नहीं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो शास्त्रीय संगीत के प्रमोशन के लिए, मैं पैसा नहीं लूँगी। कहे कि पैसा किसी नहीं दीजिएगा म्यूजिशियन, वो तो मेरी तो, मैं भी इसीलिए नहीं जा रहा था म्यूजिक में ना कि पैसा नहीं मिलता, पैसा तो जरूर दूंगा, जो भी औकात है उसमें दूंगा आपको। दिया, मुझे अभी भी याद है पंडित कुमार गंधर्व का वो रागनंद में अब तो आजा राजन, मैंने उनसे कहा, उन्होंने रागनंद से स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। उसके बाद हम लोग ने नवरस के तहत हम लोग ने 133-134 कार्यक्रम कराया। हमारे हर कार्यक्रम में एंट्री फ्री, इज ओपन टू ऑल। पटना लिटरेचर फेस्टिवल भी कराया, सेकेंड और थर्ड पटना लिटरेचर फेस्टिवल में सरकार का भी सहयोग रहा, बिहार सरकार का, बिहार सरकार के साथ मिलकर हम लोग ने कराया लिटरेचर फेस्टिवल। कुछ दिन पहले हम लोग ने एक बहुत नायाब चीज़ कराया था जिसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड म्यूजिक, जो शायद देश में पहला बार हुआ था जी। इससे चल रही है। और इसी तरीके से अपना वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढते रहते हैं कि सर्जरीज के बाद म्यूजिक प्रैक्टिस नहीं छोड़ते। वो इसमें आपको बताऊं कि कार्डियक सर्जरी है ना, इज माय लीगली वेडेड वाइफ, और ये जो अदब शकाफत शेर व शायरी संगीत मौसिकी, ये मेरी मिस्ट्रेस है जी। लेकिन इसमें ये अच्छा है ना कि किसी को कुछ बुरा नहीं लगता कि मैं इसमें इनफिडेलिटी नहीं है, कभी एक रात इनके साथ गुजारता हूँ, एक रात इनके साथ गुजारता हूँ, तो ये चलते जा रहा है ठीक है। आप फैज़ का वो लेकिन जाते कि नहीं, दोनों को साथ ले चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी मैं आपको फैज़ की एक नज़्म सुनाता हूँ जी। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, सुना है आपने जी। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, गाड़ी सर्जरी किया कुछ इश्क किया जी। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आगे आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा जी। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया, अब यही हालत है जी। डॉक्टर साहब, अब इस वीडियो के लिए आखिरी चीज यही पूछना चाहूंगी कि अपनी इस कलरफुल लाइफ में एक वो क्या चीज थी जिसे आप अपना लाइफ लेसन मानते हैं, जिसे आप अपना लाइफ मंत्र मानते हैं? क्या कहूँ, किस चीज को बारे में? एक सुकून वाली आई की अपना यू हैव टू, जो भी चीज़ आप करें ना
बहुत ईमानदारी से, जुनून से करें, तो बहुत खिरद और जुनून दो चीज़ होती है। जुनून बहुत ज़रूरी है, जुनून बहुत जरूरी है, जो भी चीज़ करें पैशनेटली करें, पूरे जुनून से करें। वरना मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ, बेटा अगर जो भी करो ना, आप आवारा गर्दी भी करो तो ठीक से करो, जो भी करो सो ठीक से करो, ये भी नहीं कि बहुत फीका कर दिया। भाई कहने को भी रहे कि भाई जो भी किया वो ठीक से करना है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी जिंदगी का ये एपिसोड आपने भी उतना ही इन्जॉय किया जितना हमने शूटिंग के दौरान किया है। अगले शनिवार फिर ऐसे ही किसी दिलचस्प व्यक्ति, किसी दिलचस्प शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।